भी आदमी पहला गेस्ट आता है या पहला स्पीकर आता है वो पहला होस्ट को बोलता है कि आवाज आ रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है क्या, बराबर की। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मेरे होस्ट और दोस्त आज जिन्होंने आज शुरुआत से लेके अभी तक जो एंकरिंग कर रहे हैं मिस्टर सौरभ जी, उनके लिए भी एक बार मैं स्वागत करता हूँ। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, ऐसे सतीश जी के लिए, यानी सतीश जी ने आज जो दिल से जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, मुझे ये नहीं लगता कि जितने भी नए गेस्ट है, जितने भी नए व्यक्ति है, उन लोगों को आज पूरा का पूरा ये प्लान प्रेजेंटेशन दोस्तों 101% दोस्तों पता चला रहेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो क्रिएटर्स ग्रुप के पिलर, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे संजय वावले जी है, मिस्टर मिलिंद बेलगांवकर, यानी आज देखा जाए तो नॉलेज के बादशाह है, जिनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसी तरह से आईटीसी लीडर, यानी जिन्होंने खाली महाराष्ट्र ही नहीं इंडिया में पूरा अपना झेंडा रोया है, ऐसे वासनिक ब्रदर जी। बाद में आज सीटीसी लीडर मिस्टर मोहन माली जी, पंकज अष्टनकर जी, तुषार टेंबेकर जी, आज जितने भी, यानी वागत जी है, सुनील पाटिल जी है, जितने भी टॉप मोस्ट सीटीसी से ऑल लीडर, यानी उनके वजह से आज क्रिएटर ग्रुप ये आज ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों फैला है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ सौरभ जी। यस सर स्क्रीन दिख रहा है सौरभ जी? यस सर। जैसे आज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कोरोना आज लॉकडाउन में दोस्तों हमें ये सिखाया, जैसा बोलते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग दोस्तों रिकॉर्ड बना देते। कदम साहब मुझे प्यार से दोस्तों हर टाइम बोलते हैं कि मिस्टर इंडिया। दोस्तों मैंने उनको एक बार यही पूछा कि मिस्टर इंडिया आप मुझे बोलते हैं, ऐसा मिस्टर इंडिया जैसा आप मुझे क्यों बोलते हैं? तो मुझे उन्होंने एक ही चीज बताई दोस्तों कि आज कोई नहीं कर सकता वो मिस्टर इंडिया कर सकता है। और दोस्तों आपने क्रिएटर्स ग्रुप में देखा रहेगा, आज मेरे साथ जो वासनिक ब्रदर जी है, मोहन माली जी है, उन्होंने जो आज साथ दिया, यानी उनको तुरमकान लोगों को दोस्तों कोई नहीं ला सकता, क्योंकि दोस्तों आज मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए थे लाइफ में, इसलिए दोस्तों वो लोग दोस्तों मेरे साथ है। दोस्तों कोरोना की बात करी तो कोरोना में हमें दोस्तों एक ही सिखाया दोस्तों कि जैसा बोलते हैं दोस्तों कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। और जोर का झटका दोस्तों धीरे से लगता है, पर कोरोना ने हमको ये सिखाया कि जोर का झटका जो है वो जोर से ही लगा दिया। और लाइफ में दोस्तों सभी लोगों के लाइफ में दोस्तों ये प्रॉब्लम हुए। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माई लाइफस्टाइल कंपनी के वजह से हम लोगों का आज लॉग है पर डाउन नहीं है। आज बिजनेस जो लॉग है पर डाउन नहीं है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, आज है दोस्तों योगा डे, फादर्स डे भी है और योगा डे। एक फादर अपने बच्चे को अपने पैर पे यानी लेके पूरा योगा सीख रहे है। दोस्तों थोड़ा सा जोक सा पार्ट है, पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इंटरनेशनल डे आज है, योगा डे है आज। दोस्तों जिस तरह से मेरे लाइफ में आज जैसा बोलते हैं कि मैं आज ये भगवान के वजह से आज दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके साथ रूबरू होके दोस्तों ऑनलाइन जीटी ट्रेनिंग के हिसाब से या जीटीएस में दोस्तों आपके साथ दोस्तों शेयरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों आज मेरे माँ और पिताजी का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से दोस्तों आज मैं दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मुझे भगवान ने बुद्धि दी तो इसलिए मैं आज दोस्तों इस लेवल पे हूँ। आज थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहता हूँ। आज क्रिएटर्स ग्रुप में आज आईटी नीलेश पाटलेकर, यानी बोला जावे तो एक आईटीसी लीडर, आईटीसी यानी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। आज इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जो भी मैं बना हूँ, जो भी मैं इस लेवल पे गया हूँ, जैसा आज जो इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर आप जो देख रहे हैं, पर कुछ साल पहले आज मेरी जिंदगी भी दोस्तों जीरो की थी, और जीरो से आज हीरो की जिंदगी में दोस्तों आज जो मैं आया वो तो मैं लाइफ की दोस्तों स्टोरी आपके सामने दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ। पहला थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस माई लाइफस्टाइल में जो अचीवमेंट किया, जैसा आज जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में दोस्तों
आज एक्सियोम रियलिटी करके उसमें एक्सियोम इनेजिया बिल्डिंग में दोस्तों 2 करोड़ का दोस्तों मैंने इस माई लाइफस्टाइल के माध्यम से दोस्तों घर लिया है। आज ये दोस्तों घर ये ऐसा घर है यानी ऐसा महल है दोस्तों कि बॉम्बे में टॉप मोस्ट लोकेलिटी है जिसको बोलते हैं ग्रैंड हयात होटल। ग्रैंड हयात होटल के दोस्तों सामने दोस्तों ये मेरा मकान है। आज घर से बाहर देखेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी दिखता है। आज दोस्तों मेरी औकात से ज्यादा मुझे इस माई लाइफस्टाइल में दिया है। आज 2 करोड़ का घर लेना यानी दोस्तों नॉट ए जोक। आज दोस्तों मेरे फैमिली के भी बारे में बताऊं, मेरे घर के थोड़े से फोटो शेयर करता हूं। आज कदम जी यानी मेरे ग्रेट गुरु और राजेश यादव जी सर मेरे घर पे आए थे। ये मेरी पूरे फैमिली है। ये फैमिली में दोस्तों ये खुशी देख रहे हैं। दोस्तों आपको भी लगा रहेगा जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है जितने भी नए लोग है उन नए लोगों को मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। कितने नए लोग है ये मुझे मालूम नहीं, पर आज जितने भी नए लोग है उस लोगों को मैं एक दावा देता हूँ, एक कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरह से मेरे लाइफ में आज दोस्तों ये 5 साल या 6 साल में या 6.5 साल में ये दोस्तों परिवर्तन हुआ, आज जो मैं शेयरिंग करने वाला हूँ उस शेयरिंग में दोस्तों एक चीज भी आपको आपने दिल और दिमाग में दोस्तों बिठा ली तो आपको दोस्तों ये खुशी दोस्तों 100% मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लाइफ की जर्नी। जैसा कॉलेज स्टूडेंट से लेके मैंने मायने लाइफ से लाइफ की दोस्तों जर्नी की शुरुआत की थी। दोस्तों आपके सामने है जो है नीलेश पाटलेकर जिन्होंने ये अपनी लाइफ की जर्नी दोस्तों शुरू की थी। जैसा मैं आज जिस घर में मैं रहता था दोस्तों मैं कुछ बड़े फैमिली से नहीं था। ये दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैं जिस घर में रहता था वो घर दोस्तों 10x10 का घर था। आज एक चौल में रहता था बॉम्बे में, एक छोटा सा खार करके एरिया है। उस खार एरिया में गोलीबार रोड करके वहां पे रामेश्वर सेवा मंडल करके एक चाल है। इस छोटे से चाल से आया हुआ लड़का आज के सामने दोस्तों ये बात कर रहा है। मेरे औकात नहीं, मेरे आज दोस्तों क्या मालूम है मेरी ताकत नहीं इस लेवल पे क्या मालूम है आज मैं बोल सकता हूँ, पर मुझे आज दोस्तों ये सिखा दिया दोस्तों इस माई लाइफ स्टाइल इस सिस्टम में। आज ये हार्वे सक्सेस एकेडमी की ताकत में आज मेरे गुरुओं ने उनका साथ जो दिया उस साथ से दोस्तों आज मैं 10x10 के रूम से दोस्तों आज ये लेवल पे आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी लाइफ के बारे में दोस्तों। 21 दिसंबर 1979 मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। 1979 में मेरा जन्म हुआ, 1996 में मेरा SSC कंप्लीट हुआ, 1998 में मेरा HSC हुआ। कॉलेज करते करते मुझे इस डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला। एक व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस में दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए लेके गया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद आज शुरू से जो एंड तक जो प्रेजेंटेशन आपने जिस तरह से नए लोगों ने या भी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने देखा, इसी तरह से कुछ साल पहले दोस्तों इसी तरह से दोस्तों प्रेजेंटेशन देखा था। कॉलेज करते करते प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे प्रेजेंटेशन में कुछ समझ में नहीं आया, उसमें ABCD क्या रहती है वो भी समझ में नहीं आया। पर लास्ट के जो 15 मिनट है जिस तरह से आपके सामने मैं जो शेयरिंग कर रहा हूँ इस तरह से कुछ व्यक्ति वहां पे शेयरिंग कर रहे थे, उस व्यक्ति ने दोस्तों एक ही बात बोली कि इस कंपनी में दोस्तों इस डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों मेरे को 2 साल कंप्लीट हुआ और 2 साल कंप्लीट होने के बाद मेरे लाइफ में मेरा लास्ट महीने का इनकम आया दोस्तों 1 लाख रुपया। कोई व्यक्ति था वो व्यक्ति बोला 4 साल से मैं इस डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और 4 साल से काम करते 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 आज लाइफ में मेरा ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा बदलाव आया कि मेरा BMW आया, मेरा आज 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख का चेक आया। वो देख के मैं बोला कि एक आम आदमी दोस्तों एक जीरो से हीरो बन सकता है तो दोस्तों मैं भी बन सकता। मैंने एक संकल्प लिया कि पार्ट टाइम करके एक पॉकेट मनी के हिसाब से डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, काम करते गया सीख रहा था, अभी भी दोस्तों सीख ही रहा हूँ। पर सीखते सीखते लाइफ में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ। पर लाइफ में मैंने 1 कंपनी की 2 कंपनी की 3 कंपनी की 4 कंपनी की 5 कंपनी की पर 5 कंपनी में मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिला, पर दोस्तों मुझे सीखने के लिए मिला। लाइफ में दोस्तों जैसा मैं बताऊं कि अप एंड डाउन बहुत आए, अप एंड डाउन में मुझे दोस्तों ये सीखने के लिए मिला। ये ड्रम आप देख रहे हो, वो ड्रम में दोस्तों वो ड्रम में आपको उसकी एक आग दिख रही है और उसका एक दांत दिख रहा है। इसी तरह से ड्रम की जैसी मेरी लाइफ थी। कबाड़ भरी जिंदगी में एक आग से अंधा होने के बावजूद एक ही दांत
बचा है फिर भी वो ड्रम हंस रहा है। इसी तरह से दोस्तों मेरी भी लाइफ थी, मेरे भी लाइफ में दोस्तों ये परिवर्तन आने के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये अवसर नहीं थे। भगवान तो ऊपर से नीचे आ नहीं सकते, पर भगवान के साथ ही यानी भगवान जिस तरह से उस तरह से मेरे लाइफ में दोस्तों एक व्यक्ति आया, ऐसा एक भूचाल आया जिन्होंने मेरे लाइफ दोस्तों जीरो से हीरो की। उनका नाम है मिस्टर डीएच कदम साहब। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो मेरी जिंदगी में, ऐसे कदम सर को मैं प्रणाम करता हूँ जिसने जिस जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया जिन्होंने, उसको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। ऐसे डीएच कदम साहब जिनको बोला जाता है कि दत्त माजा आणि मी दत्ताचा, वो डीएच कदम साहब आज मेरे लाइफ में नहीं आते थे तो मेरे लाइफ दोस्तों आज 360 डिग्री में दोस्तों परिवर्तन नहीं होती थी। मेरे गुरु के माध्यम से आज राजेश यादव जी है और मिस्टर दयालंद सर जी है, उनके माध्यम से दोस्तों मुझे ये प्लानिंग किस तरह से करने का है वो मुझे मौका मिला। मेरे गॉड अपना सबका एक ड्रीम्स रहता है कि अपने गॉड का सेल्फी अपने साथ में ले, वो मुझे एनटीसी बनने के बाद दोस्तों ये मौका मिला। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राउड ऑफ माय फैमिली, फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ तो मेरी फैमिली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी दोस्तों फैमिली है। आज दोस्तों वास्तविक ब्रदर यानी उन्होंने आज ऐसा एक करामत की है, ऐसा एक यानी बोलते है ना कि जैसा कृष्ण की तरह क्या मालूम है काम दोस्तों किया है। जिस तरह से पांच पांडव रहते है वो पांच पांडव को जिस तरह से उन्होंने संभाला उस तरह से दोस्तों आशीष वासनिक और प्रसिक वासनिक ने पूरे टीम को संभाला है। दोस्तों उन्होंने मुझे जो साथ दी वो साथ के वजह से मैं आज दोस्तों इस लेवल पे पहुंच गया। आज 50 लाख का ऑडी लेना या करोड़ रुपए का जैगुआर लेना आज दोस्तों किसका डेरिंग नहीं, पर आज दोस्तों ये व्यक्ति ने सिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी दोस्तों जीरो से हीरो 100% बन सकता है। और आज उन्होंने खाली खुद ही नहीं अपने टीम में दोस्तों ये क्रिएटर्स दोस्तों तैयार किए। मोहन माली की बात किए तो उन्होंने आज जो शेयरिंग किया आपने पता चला, उनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, माली 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 जिस दाल पे नजर डाली उस दाल को उस माली ने फूलों से सजा डाली। ऐसे मोहन माली जी ने मुझे यानी एक भाई जैसे है उन्होंने साथ दिया। मैं हर टाइम बोलता हूँ मैंने भी लाइफ में दोस्तों अच्छे कर्म किए होंगे, मैंने भी लाइफ में दोस्तों अच्छे कर्म किए होंगे। इसके लिए दोस्तों आशीष जी और प्रसिक जी और मोहन माली जी और पंकज अष्टनकर जी और तुषार टेम्बेकर जी जैसे भाई मेरे दोस्तों आज साथ है। रिलेशन क्या रहता है जैसे अपना डीएच कदम साहब बोलते हैं मिस्टर इंडिया मिस्टर इंडिया मिस्टर इंडिया, आज उन लोगों के साथ दोस्तों ये रिश्ता रखा, ये रिलेशन रखा, इसलिए दोस्तों आज दोस्तों ये मेरे साथ है। मेरे पिलर के बारे में बात करूं तो दोस्तों आज प्राउड ऑफ माय पिलर आज देखा जावे तो दोस्तों गणेश दत्त जी, आज दोस्तों एक दिल्ली में रहने वाला एक आम लड़का मिजोरम में जाते नागालैंड में जाके आज दो दो महीना तीन तीन महीना रह के आज दोस्तों एक लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का सिस्टम चल रहा है, पर आज मुझे ये टीम के ऊपर यानी गौरव है, प्राउड फीलिंग करता हूं मैं दोस्तों कि लॉकडाउन के जरिए भी आज गणेश दत्त की का बिजनेस दोस्तों एक भी चीज कम नहीं हुआ। लास्ट महीने में उन्होंने टोटल 25 लाख का दोस्तों टर्नओवर दिया, यानी पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। शंकर डोगरे जी उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, जिस गांव में दोस्तों बस भी नहीं जाती थी उस गांव से वो सफर करते हो और आज एनटीसी करके। आज मिसर पांड्या जी, जॉनसन जी फ्रॉम तेलंगाना, सुनील हुड जी, शाहू जी, प्रमोद गावड़े जी, अजीत शिंदे जी, बाद में जो भी यानी जितने भी प्यारे मेरे भाई है प्यारे लीडर है, सभी लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, उन लोगों के वजह से दोस्तों आज ये नीलेश पाटलेकर बना है, बराबर ना। आज दोस्तों इस सिस्टम के वजह से आज माय लाइफस्टाइल सिस्टम और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के वजह से दोस्तों मैं आपके सामने दोस्तों आज बात कर रहा हूँ। जैसा अचीवमेंट की बात करूं तो अचीवमेंट में दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अचीवमेंट में दोस्तों आज दोस्तों मेरे बॉम्बे में दोस्तों पांच पांच दोस्तों फ्लैट है, आज दोस्तों दो दो मेरे शॉप्स है, आज दोस्तों विरार में मेरे प्रॉपर्टी है, सांताक्रूज में प्रॉपर्टी है, बांद्रा में प्रॉपर्टी है। आज कुछ भी नहीं किया, काम नहीं किया तो भी दोस्तों आज इससे भाड़े से मुझे दोस्तों एक एक प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया दोस्तों इसका प्रॉपर्टी का प्राइस है और हर महीने में उसका मुझे रेंट भी आता है दोस्तों। और दोस्तों ए टीसी से लेके आज जो भी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट दोस्तों मैंने इस माय लाइफस्टाइल से लिया है। आज मुझे इंडिया के बाहर भी जाने का दोस्तों मौका मिला। आज जिस तरह से बोलते हैं कि आज जैसे आज वाबले साहब को देख के हमेशा मैं मोटिवेट होता हूँ। आज दोस्तों शुरुआत से मैं माय लाइफस्टाइल कंपनी में नहीं हूँ,
यानी 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद मैं इस सिस्टम से जुड़ा था, पर वाबले साहब को देखा तो मैंने एक ही सोचा, क्योंकि जब वो गले मिलते हैं तो आंखों से दोस्तों आंसू आ जाते हैं। तो वाबले साहब हमारे मेरे हमेशा दोस्तों आइडियल रहे हैं। हम लोग को दुबई जाने का दोस्तों मौका मिला था, उस मौके में मैंने एक ही आप सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमने वहां पे सोचा कि अगर अपनी लाइफ में, अगर अपनी लाइफ का वर्ल्ड कप जीतना है, अगर अपनी लाइफ का दोस्तों आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो टुक टुक खेलना बंद करो, थोड़ा सा रिस्क उठाओ, थोड़ा सा ज्यादा दम लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ, बल्ला घुमाओ, जीत आपकी 100% दोस्तों पक्की है। क्योंकि आज दोस्तों छक्के और चौके सपोज हम लोग मारेंगे तो हम लोग आज लाइफ में दोस्तों 101% दोस्तों सक्सेस हो सकते हैं। आज शतरंज के खेल में जो भी खिलाड़ी रहता है सबकी अलग अलग चाल रहती है। आज दोस्तों किसी में बात करने में कलाकारी रहती है, किसी को टीम हैंडलिंग में कलाकारी रहती है, सभी लोगों को दोस्तों अलग 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 कलाकारी रहती है। जिस तरह से महाभारत में जो सलाहकार थे, वो सलाहकार दोस्तों कृष्ण यानी अर्जुन कृष्ण से सलाह लेता था, और दुर्योधन दोस्तों शकुनी मामा से सलाह लेता था। जिंदगी तेरी है, सपने तेरी है, मंजिलें तेरी है, हार और जीत मेहनत सब कुछ तेरी है, फिर ये फालतू लोगों को सुनकर आप कौन सा नाटक करते। दुनिया में दोस्तों बहुत सारे दोस्तों शकुनी मामा मिलेंगे, ये कर नहीं सकते, ये वो कर नहीं सकते, दोस्तों ये फालतू लोगों से साथ हमें क्या मालूम है, सुनना नहीं है, हमें अपना दिमाग लगाना है। जिस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत सारे लोगों को दिल में दोस्तों सवाल आए रहेंगे, क्वेश्चंस आए रहेंगे कि मैं काम तो करना चाहता हूँ पर मुझे बोलना नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे में आत्मविश्वास नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे खानदान में आज तक किसी ने काम नहीं किया, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन जो रहते वो क्वेश्चन दोस्तों मेरे भी दिमाग में थे, मैंने भी एक क्वेश्चन के ऊपर निगेटिविटी सोचते रहता था, तो मैं भी दोस्तों आज लाइफ में सक्सेस नहीं होता था। जितने भी नए लोग है उन नए लोगों को मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आपने जिस तरह से मैंने आज मेरे लाइफ में दोस्तों जो डिसीजन लिया है और मेरे 5 साल और 6 साल में मेरे लाइफ में दोस्तों ये परिवर्तन हुआ, उस तरह से दोस्तों आपके भी लाइफ में दोस्तों परिवर्तन हो सकता है। खाली आपको दोस्तों एक डिसीजन लेना जरूरी है, और डिसीजन का मौका मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे टीडीएस सर्टिफिकेट में शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 आज पहले महीने का इनकम है। नीलेश पाटलेकर मेरा फॉर्म 16 ये है, 5,25,000 का इनकम है। दूसरे महीने का इनकम है दोस्तों 4,70,000। तीसरे महीने का इनकम है 4,80,000। 3 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 15 लाख रुपए का इनकम दोस्तों 3 महीने का इनकम है। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर का इनकम बताओ तो 5,90,000 पहले महीने का, दूसरे महीने का 7,40,000, तीसरे महीने का 5,17,000, तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 17,80,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए का इनकम दोस्तों 3 महीने का इनकम है दोस्तों। दोस्तों आगे मैं बताना चाहता हूँ 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर फर्स्ट महीने का इनकम है दोस्तों 4,92,000, सेकंड महीने का है 4,82,000, थर्ड महीने का है दोस्तों 5,21,000, 3 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो 16 लाख, 15 लाख रुपया एवरेज भी पकड़ेंगे क्वार्टरली, और साल भर का इनकम करेंगे तो 15 लाख यानी टोटल 60 लाख रुपीस का इनकम एक साल का। दोस्तों 60 लाख रुपया इनकम किसको बोलते हैं, एक आम 10x10 के रूम में रहने वाला आदमी आज खाली एक डिसीजन लेता है। जैसे कल का आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा रहेगा, उसमें बताया गया था 65 ईयर्स के व्यक्ति ने आज डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री का डिसीजन लिया, 3 साल लगातार उसका मेहनत किया, आज डेप्थ को समझा कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, 8 साल मेहनत किया और टोटली उसका डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपए का इनकम हुआ। तो दोस्तों उनके लाइफ में वो हो सकता है तो दोस्तों हमारे लाइफ में भी हो सकता है, और मैंने मुझे बताने के लिए आपको खुशी होगी, ये मेरे दोस्तों एक आईडी का इनकम दिखा रहा हूं, ऐसे मेरे माई लाइफस्टाइल में 3 आईडी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों लॉकडाउन के पहले की बात मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, खाली 5 मिनट आपके साथ शेयर करूंगा। 346 वीक का इनकम था 1,22,000, 1,59,000, 1,00,000,
52,000। आज लॉकडाउन के पीरियड में दोस्तों वो इनकम टोटल 1,900 रुपया का हुआ था, पर 360 का लास्ट वीक का इनकम दोस्तों है 1,42,000। तो दोस्तों मेरे लाइफ में दोस्तों इस तरह से ये परिवर्तन दोस्तों मेरे लाइफ में हो सकता है, तो दोस्तों आपके लाइफ में भी हो सकता है। खाली आपको दोस्तों एक डिसीजन लेना जरूरी है, जैसे मैंने और मेरे टीम में पूरा ये दोस्तों डिसीजन लिया। जैसे बोलते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और हौसलों ये हौसले दोस्तों आपके साथ रहेंगे तो आप दोस्तों 0 से 100% हीरो हो सकते हैं। मेहनत इतनी करो कि एक दिन कह सको कि ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। एक कॉन्फिडेंस दोस्तों एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति दोस्तों आपको जब तक नहीं आता तब तक आप लाइफ में दोस्तों सक्सेस नहीं होगी। नेहमी अशा लोकांच्या आजूबाजूला राहा, नेहमी अशा लोकांच्या आजूबाजूला राहा ज्यांची स्वप्ने तुमच्या पेक्षा मोठी असतील। जैसा बोलते हैं कि एक सफल व्यक्ति ने बोला है कि जैसा एक पंछी आकाश में उड़ने वाला पंछी, उसको भी मालूम रहता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं है, आकाश में बैठने वाले पंछी को भी पता रहता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं है, फिर भी दोस्तों उड़ते रहता है। इसी तरह से दोस्तों आज हमें भी मालूम नहीं कि 2,10,000 रुपये आएगा ये मालूम नहीं है, पर दोस्तों खाली उड़ना चालू किया और 5 साल में दोस्तों हमें भी दोस्तों ये 2,10,000 रुपया आना चालू हुआ। दोस्तों कोरोना में लाइफ टाइम आपको सपोज रोना है तो लाइफ में जो कर रहे हो करते रहो, और कोरोना में लाइफ में आपको सपोज रोना नहीं है तो जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया है, जिस व्यक्ति ने आपको इस बीजी मीटिंग में दोस्तों बिठाया है, उसको दोस्तों बोलो कि मुझे ये माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करना है, कोरोना है। दोस्तों यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइफ के दोस्तों बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बड़े बड़े सपने थे ज्वेलरी लेने की, वो ज्वेलरी लिए। बच्चे लोगों के लिए एजुकेशन लेने का था, वो एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा मैंने अभी से इकट्ठा किया है। आज 40 साल में जो आदमी काम नहीं कर सकता वो आदमी दोस्तों इस माई लाइफस्टाइल में के वजह से, माई लाइफस्टाइल से दोस्तों आज 5 साल और 6 साल में दोस्तों कंप्लीट हुई है। मनी मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है सही ढंग से आप करोगे, करियर का प्लानिंग आप सही ढंग से करोगे तो लाइफ में दोस्तों 101% सक्सेस हो सकते हैं। आज लाइफ में मुझे मौका भी मिला फॉरेन टूर जाने का, और फ्री में फैमिली के साथ भी जाने का मौका मिला। गांव में मैं इस तरह से दोस्तों एक मकान भी बना रहा हूँ। आज दोस्तों एक ड्रीम कार है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हुआ पर जल्दी आपको खुशी मिलेगी, एक बढ़िया सा लग्जरी कार भी दोस्तों मेरा आने वाले समय में आने वाला है। इतना ही बोल के मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ और जाते जाते एक ही बात बोलता हूँ कि पूरी धरा यानी दोस्तों आज बोलते हैं कि आज पृथ्वी यानी आज बोलते हैं लाइफ में दोस्तों हमें दोस्तों सक्सेस होना है तो हमें दोस्तों डिसीजन लेके इस लेवल पे जाना है। इतना ही बोलते मैं वाणी को मेरे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू।